नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। लगातार जो है वोटिंग के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और अभी की जो खबर है ये भागलपुर से है। आपको बता दें कि भागलपुर में लगातार जो है हर एक बूथ पर जो है चुनाव हो रहे हैं और यहाँ दूसरे चरण में लगभग भागलपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पर मतदान जारी हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से भागलपुर के इन बूथों पर लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें आपको दिखाई देंगी और वहीं वोटिंग डालने के बाद लोग जो है अपनी उंगली दिखाते हुए ये दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि नाथनगर विधानसभा सीट जो है यहाँ की, वो सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है और इस सीट को लेकर के जो है यहाँ पर जो खबरें आई हैं, यहाँ का एक बूथ नंबर 144 और 115 जो है यहाँ पर जो है वोटिंग स्टार्ट होने में लेट हुई है। लगभग आधा घंटा की देरी से जो है यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हुई है। हालांकि जो खबरें हैं उसके अनुसार फिलहाल वोटिंग जो है जारी है। कोई भी ईवीएम खराबी की ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से अगर देखें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इन सभी गाइडलाइंसों को भी जो है चुनाव आयोग की तरफ से पालन करवाया जा रहा है। जो तस्वीरें पहले चरण के चुनाव में दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे ही इस बार भी मतदान के रूप में, मतदान के दौर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस दौरान हमने कुछ लोगों से भी बात की, उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी क्या कहा, ये भी सुनिए। शारदा संगीत, मतदान संख्या 98 और शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे पहला मतदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किन मुद्दे के लेकर मतदान किए? मुद्दा यहाँ तो मोदी का मुद्दा है, और क्या, मोदी लहर में चल रहा है। तो अभी तो सुबह शुरुआत हुई है, अभी तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए क्या क्या होता है। आपने अपना मतदान किया है जी, क्या सोच के किया है, कैसे लोग को चुनने का? बिहार में विकास के लिए मतदान किया है, देखते हैं। और एक तरफ बेरोजगारी का भी मुद्दा है, एक तरफ विकास का भी मुद्दा है। जो मुद्दा जिस पर हावी रहेगा उसी की सत्ता बनेगी, सरकार उसी की बनेगी, और जो जनता के हित के लिए काम करेगा या जनता के लिए सोचेगा उसकी सरकार बनेगी। हम लोग तो वोटर है भाई, एक वोट के मामले। तो आपने सुना कि लोग रोजगार, महंगाई या फिर विकास के मुद्दों पर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब उनका मत किसके पाले में गया है ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। हालांकि आपको बता दें कि आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर के आए थे भागलपुर से हमारे संवाददाता अतीश दीपांकर। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।